नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के खिलाफ 5 जनवरी को गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को सभी पंचायत समिति को सशरीर हाजिर कर उनके हस्ताक्षर लेने और उनके बाद अग्रतर कार्यवाही करने का दिशा निर्देश दिया गया था, जिसके बाद आज गोपालपुर प्रखंड के 11 पंचायत समिति रागिनी देवी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जिलाधिकारी के सामने सशरीर हाजिर होकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपना अपना हस्ताक्षर किया। गोपालपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौधरी ने बताया कि गोपालपुर के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के मनमाने रवैये के कारण सभी पंचायत समिति सदस्य आक्रोशित हैं और उनके खिलाफ 5 जनवरी को ही गोपालपुर प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रखंड प्रमुख हाईकोर्ट में गलत हल्फनामा दायर करके यह बताया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर फर्जी है, जिसको लेकर सभी पंचायत समिति जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गोपालपुर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रखंड प्रमुख हाईकोर्ट में भी याचिका दायर किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उस आधार पर वह काम कर रहे हैं। मीटिंग में नहीं करते थे और जब हम लोग कभी मीटिंग में बुलाते भी नहीं थे, जितना भी 2 साल में हुआ है कोई काम हम लोग को नहीं दिए है। अविश्वास के लिए आए थे, क्या कारण था? सम्मान नहीं दिया, कोई समिति को सम्मान नहीं दिया, बैठक में समय बैठक नहीं किया। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी को लेकर सरकार के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे जा रहे हैं उसको देखकर समझा जा सकता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। मामला भागलपुर जिले के घंटाघर स्थित सदर अस्पताल का है, जहां बांका जिले के अमरपुर के मोनिया गांव के रहने वाले विकास दास को आरोपियों के द्वारा गले में गोली मार दिया गया था, जिसके बाद उन्हें बांका जिले के अमरपुर रेफरल अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भेज दिया गया। वहीं परिजन जब मरीज को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे तो वहां एक्सरे मशीन खराब होने की बात कहकर सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां मायागंज से परिजन ई रिक्शा में लेकर मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं सदर अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर भी नहीं दिया गया। घायल के परिजन खुद मरीज को गोद में लेकर इधर से उधर भटकते रहे। वहीं घंटों इंतजार के बाद एक्सरे होने के बाद फिर से परिजन घायल मरीज को गोद में उठाकर ई रिक्शा में लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले गए। वहीं इस बात पर सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस बात पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हाँ, क्या हुआ है भाई को? कौन मारा? गोली मार दिया। कहाँ कहाँ गए थे लेके? मायागंज भी गए थे, वहाँ क्या बोला? गोपालपुर शैदपुर स्थित दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल द्वारा कोसी क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज से दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल ने नारी सूर्य से लेकर नवम तक के छात्रों का नामांकन प्रारंभ कर दिया गया है। नामांकन के पूर्व छात्रों के जांच परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें छात्र व अभिभावक काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। जांच परीक्षा के दौरान छात्र व अभिभावकों की काफी भीड़ देखी गई। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक ने बताया कि बच्चों के लिए जो सुविधा शहर में उपलब्ध है वही सुविधा यहाँ भी मिलेगी। अभिभावक निश्चिंत होकर यहाँ अपने बच्चों का नामांकन कराएं। अपने दबंगअंदाज व विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने के बयान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए तो उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी बूढ़ा हो गए हैं, सठिया गए हैं, वो क्या है क्या नहीं है, मुसर है कि क्या है कौन जानता है। नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर गलती किया, अभी वह भर भर कर रहे हैं। नीतीश कुमार पाला बदलने वाले नहीं है, अगर वो जाएंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। कभी नहीं, नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो राजनीति
से हट के मतलब चले गए, इनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। जीतर न मांझी कौन है, मुसहर है कि नहीं है, क्या है नहीं है, कोई जानता है? मांझी तो मल्हा को कहता है। तुमको मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश कुमार ने, यही गलत किए। भागलपुर के सातचक थाना क्षेत्र के वार्ड 48 के शिवपुरी कॉलोनी में जयप्रकाश चौधरी के मकान में आग लग गई। आनन फानन में 112 पर कॉल करके सूचना दे दी गई। साथ ही आसपास के लोग अपने अपने टंकी से पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि आग पर काबू नहीं पा सका। करीब 20 मिनट के बाद 112 और इशाचक थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। लगभग 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ठंड के कारण अलाव जलाया गया था, जिसकी चिंगारी से आग लगी है। बताया जा रहा है कि मकान जयप्रकाश चौधरी का है। हालांकि इस आग लगी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। हम लोग 9 बजे खाना खा के सो गए थे, जिसमें कि हम लोग जैसे खाना खा के सोए, उसके बाद 10 मिनट के बाद बोलते हैं ऊपर के रेंटर अजीत, वो बोलते हैं कि आपके घर में आग लग गया है। जैसे हम लोग भी दौड़े और अगल बगल के रेंटर भी था हम लोग का, सब आए मिल के सब आग बुझाने की कोशिश किए। बहुत उसके बाद फिर दो दमकल आए, उसके उसी के सबसे दूर। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के NH-80 कांझिया बाईपास पर बुधवार की देर शाम चलती पिकअप वैन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने साहस जुटाकर आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। इधर स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मधुसूदनपुर पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा के वक्त ड्राइवर अपने वाहन से कूदकर जान बचाई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पिकअप वाहन में आग लगी है। मिला ड्राइवर के द्वारा कि यहाँ पे गाड़ी में हमारे आग लग गई है। गाड़ी रोजाना की तरह गाड़ी जाती थी लोड देने के लिए, ये लोग को कहाँ से आ रही थी? ये तारापुर साइड से आ रही थी। ठीक है, तो देने के आने के क्रम में गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।